अब लड़कियों की माँ आकर गठबंधन करे। पंडित जी बदकिस्मती से शक्ति के माँ बाप तो है नहीं, बचपन में ही गुजर गए। पर मैं इसकी माँ जैसी ही हूं, तो मैं करती हूं ये गठबंधन। गलत। गलत कहा आपने? ये रही सक्तूरी की मां। इसे खबर न हो तो कह दूं, मेरी एक नहीं दो दो बेटियां हैं। सिर्फ पैदा करने वाली मां नहीं होती, पालने वाली भी मां होती है। तभी तो देवकी और यशोदा दोनों ही कृष्ण जी की माँ ही है ना। और वैसे भी आज तक मैंने कभी भी दोनों बेटियों में सुई की नोक तक का फर्क नहीं किया है। पर मनोरमा जी, आज तो फर्क हो जाएगा ना? मतलब एक का गठबंधन पहले फिर दूसरी का बाद में? ना, नहीं होगा। ना आज तक हुआ है, ना आज होगा, ना आगे होगा। कैसी बात करी आप मनोरमा जी, आप अकेले दोनों का गठबंधन एक साथ कैसे करेंगी? चलो रिमझिम, आज देखते हैं तुम्हारी मम्मी किससे ज्यादा प्यार करती है। ठीक है, देख लीजिएगा। और वैसे भी शक्ति का गठबंधन मैं करूंगी और रिमझिम का पंडित जी करेंगे। जब माँ बाप एक होते हैं ना, तभी तो संतान का जन्म होता है। तो माँ बाप का प्यार दोनों के लिए एक सरीखा रहता है। फिर गठबंधन माँ करे या पिता, क्या फर्क पड़ता है? मैं मेरी बेटियों को भी यही सलाह दूंगी कि हमेशा अपने पति की पूरक बन के रहना, और सिर्फ अपने पति की नहीं, अपनी बहन की भी हमेशा उसके साथ रहना, उसे हिम्मत देना। जैसे मैंने कभी तुम दोनों में फर्क नहीं किया ना, सोमनाथ जी ने भी तुम दोनों में कभी फर्क नहीं किया। तभी तो आज तुम दोनों एक ही साथ एक ही ससुराल में जा रही हो। बस जैसे मायके में साथ साथ रही है ना बेटा, ससुराल में भी वैसे ही एक साथ रहना। वाह पंडित हैं, वाह, कितने उच्च विचार हैं तुम्हारे। मैं आशा करता हूं कि यही संस्कार रिमझिम और शक्ति में भी तुमने दिए होंगे।